वेलकम भाई जी, वेलकम टू तूती खालसा कीज। कैसे हैं भाई जी? पिछले दिनों जो अपने त्यौहार जो भी निकले हैं ना, अपनी दिवाली, विश्वकर्मा पूजा, छठ पूजा, जितने भी अपने त्यौहार निकले हैं, सब त्यौहारों की सारे भाइयों को बहुत सारी शुभकामनाएं। अब वीर जी, ईओन गाड़ी है, बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये बहुत छोटी चीज़ बहुत प्रॉब्लम करती है, ठीक है। इसमें ईओन गाड़ी के अंदर ना मैं ये लगा हुआ हूँ, काफ़ी देर से लगाऊँ, इसमें बहुत देर होगी लगे लगे, कम से कम एक मिनट। भैया भी देखो परेशान हो गए ना, सोए पड़े हैं। भाई जी कितनी देर होगी हमें लगे लगे इस गाड़ी में? कितनी देर होगी लगे लगे? आधे घंटे से ऊपर हो गया ना भैया। देखो आधे घंटे से ऊपर हो गए, भैया भी थक के जो है गाड़ी में ही सो चुके हैं। अभी इसमें देखते हैं क्या सोल्यूशन है। ये मैं पीसीबी में ऑटोकॉप में रिमोट जनरेट कर रखा है, एक्सोर्स का फिलिप वाला रिमोट है। ये डब्बी वगैरह मैंने निकाल के सारी कार्रवाई कर ली, इसमें रिमोट मैच नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, ठीक है वीर जी। अब इसका सोल्यूशन दूसरा है, ये डब्बी को बाहर निकाल के चलता हूँ, ठीक है ना। डब्बी को बाहर निकाल के एक बार इसकी, बेटा अभिषेक को, भैया अभिषेक को बोलना चाबी पकड़ाएगा मुझे एक बार। ये इस गाड़ी की है, ठीक है वीर जी। अभी क्या है, हमने की को ऑन कर दिया, जैसे देखो ऑन कर दिया, बीप की आवाज आएगी, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 अब हम इसको दबा रहे हैं ना, कहीं कोई रिस्पांस नहीं है, मतलब रिमोट मैच ही नहीं हो रहा इसमें, ठीक है जी। ये कंडीशन चल रही है, कभी इसमें ये आ जा रही है बीप, कभी नहीं आ जा रही है। अब देखो जैसे यहाँ पे आ गई ना, अब हम इसको दबा रहे हैं, 1 2 3 4 5 कोई रिस्पांस नहीं है, ठीक है जी। ये कंडीशन बन रही है इसके साथ, कभी आ जा रहा कभी नहीं आ रहा, ठीक है। अभी इसको डब्बी को लेकर चलता हूँ मैं सेंटर लॉकिंग टेस्टिंग पे अपने, और उस पर आपको ले जाके मैच करके आपको चेक कराता हूँ क्या कंडीशन है वीर जी, ठीक है जी। भाई जी जैसे बताया ना आपको, ये पूरा सेटअप सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वीडियो लंबी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये डब्बी आपके सामने जो गाड़ी में से निकाली है अभी, ठीक है सर, ये मैंने लगा रखी है यहाँ पे, और ये अपना एनएस टेस्टर है अपने पास, आरजी सेंटर लॉकिंग रिमोट टेस्टर वो भी होता है, और ये एनएस टेस्टर भी है सर, ठीक है। अपनी अपनी चॉइस होती है भाइयों की। ये ऑटोकॉप 16 पिन की मैंने केबल लगाई हुई है, ठीक है जी, और ये अपनी डब्बी है भाई जी, ठीक है। इसके साथ में बहुत सारी केबलें आती हैं, ये अलग अलग तरह की, जो भी हमें काम करना हो ना सब केबल आती हैं। देखो इसमें मेन मुद्दे पे आते हैं भाई जी, इसमें कस्टमर की पसंद है कि ये वाला रिमोट। वैसे हम ये रिमोट काफ़ी टाइम से जनरेट करके उसमें लगे हुए हैं, लेकिन अब वीडियो थोड़ा बना रहा हूँ तो आपको सब भाइयों को दिखा देता हूँ क्लियर। सबसे पहले हम जाएंगे व्हीकल रिमोट में, ठीक है जी। अब हमें अदर्स में जाना है इसमें, ठीक है। हम यहाँ से ओ भी दबा सकते हैं सीधा। अब जैसे मैंने ओ दबाया तो सीधे हम सीधे ऑप्शन पर आ गए, ये हमने ओके करा, ठीक है भाई जी। ऑल रिमोट पर गए, यहाँ पे सारे कंपनियों के नाम आ जाते हैं, ये देखो जैसे अपनी ऑटोकॉप है और मिंडा वगैरह, आरडी, जूसेन वगैरह जो भी है, मतलब सब आ जाते हैं। अभी एक बार इसमें करके देखते हैं, पीसीबी यहाँ पे लगी हुई है, ये रिमोट की जो पीसीबी है ये लगी है भाई जी, ठीक है। जनरेट पे कर देते हैं, ये देखो भाई जी पीसीबी इधर लगी है और रिमोट ये जनरेट पे, मतलब रिमोट जनरेट हो रहा है, ठीक है जी। ये देखो लाइट यहाँ पर, और एनएस टेस्टर पे अभी देखते हैं क्या रिस्पांस आता है इसका। अभी आपको रिमोट मैच करके पूरा क्लियर दिखाते हैं भाई जी। ये रिमोट अभी जनरेट हो रहा है ऑटोकॉप में, ठीक है जी। ये देखो इसमें नहीं होगा तो दूसरे में भी करना पड़ सकता है, कई बार ऐसा हो जाता है, बाकी होगा 100% इसी में, ठीक है ना। और ये डब्बी है, कहाँ जा रहे हो, ये देखो भाई ये वाली डब्बी है अपनी, ठीक है। ज़्यादा इसकी ये वाली डब्बी बहुत कम आती है, ठीक है। ये सक्सेस हो गया भाई जी अपना, ठीक है ना। अभी इसकी मैचिंग करता हूँ एक बार, ये निकाल के इसमें बैटरी लगाओ भाई जी, ठीक है जी। सबसे पहले हमने अपना कार की जो मेन पावर होती है पावर ऑन कर दी है, ठीक है जी। उसके बाद हमने डोर ऑन कर दिया, ठीक है सर। उसके बाद हमने जो है अपना इग्निशन का स्विच ऑन कर दिया। अब बीप की आवाज़ आएगी, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। ये अपना रिमोट मैच हो चुका है भी, ठीक है। अब हम इग्निशन स्विच बंद करेंगे, ठीक है जी। डोर बंद करेंगे, अब चेक करेंगे, ठीक है जी। लॉक, अनलॉक, लॉक, अनलॉक। लाइव वीडियो भाइयों के सामने है, कोई मिस्टेक हो गई हो बाय चांस तो सॉरी, ठीक है जी। आपके सामने जनरेट करा, सामने रिमोट मैच करा है। ये लॉक,
और ये अनलॉक, ठीक है सर, ये लॉक और ये अनलॉक। गाड़ी में फिट करके भी रिस्पॉन्स दिखाता हूँ आपको। वेलकम भाइयों को। और भाई जी ये अपनी इसकी फ़िलिप की के लिए ना, ये हमें एक ब्लेड कटिंग करना होता है, जो कि अपनी मिंडा सिल्का की जो ड्यू मशीन है इस पर इसका ब्लेड कटिंग हो रहा है, ठीक है। ये इधर कस्टमर की ओरिजिनल की लगी हुई है और ये हमने अपनी वाली की लगा के इसका ब्लेड कटिंग हो रहा है, ठीक है वीर जी। ये ड्यू और ट्विस्टर, ये दोनों मशीन तुई खालसा कीज में अवेलेबल होती हैं। ये ब्लेड कटिंग हो चुका है भाई जी, ठीक है जी। ये देखो, ये कॉपी करने में बहुत मास्टर है। ये ओनली ऐड की के लिए होती है मशीन, ठीक है ना, ऐड की के लिए, ठीक है। और ये मशीनों को मैं 7 से 8 साल हो चुके हैं मुझे यूज़ करते हुए, लेकिन इनकी आप कंडीशन देखो भाई जी, अभी भी ये इनमें कुछ ज़्यादा कुछ भी खर्चा नहीं आता, बस टाइम पर सर्विस होती रहे। सर्विस भी हम लोग खुद ही करते हैं, बस ब्लेड वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जितना यूज़ करोगे उस हिसाब से ब्लेड उसमें हमें देते हैं सर, ठीक है जी। अभी एक बार भाई जी इसको पूरा रेडी करके ना, अभी चलते हैं गाड़ी के पास, ठीक है। इसको एक बार ब्लेड वगैरह इसमें पूरा डिट्टो में लगा लेता हूँ, पीसीबी वगैरह डाल के। ट्रांसपोंडर इसका ये रखा है यहाँ पे, और डब्बी यहाँ पे रखी हुई है। एनएस टेस्टर से हमने रिमोट मैच किया था अभी, ठीक है भाई जी। इसको रेडी करके आपको गाड़ी पे चेक कराता हूँ। भाई जी गाड़ी में आ चुके हैं और ये मॉड्यूल की डब्बी ना लगी है इसमें, ठीक है। ये मैच करने के बाद हमने ला के लगा दी है वापस, जिस कंडीशन में थी लगा दी, ठीक है जी। और ये की कटिंग करी थी, ये ब्लेड ट्रांसपोंडर सारा रेडी है। ये देखो लाइट भी जल रही है, ठीक है जी, आप आवाज़ भी सुन पा रहे हो लॉक अनलॉक की। ये देखो, ठीक है वीर जी, लॉक अनलॉक, ठीक है वीर जी, लॉक अनलॉक, ये पूरा रेडी है सिस्टम। अब यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको, लॉक अनलॉक, डीपर बहुत हल्के जल रहे हैं इसमें, अनलॉक पर जल रहे हैं देखो, ठीक है। पूरी वर्क डन है भाई जी, ठीक है। डिवाइस 100% सक्सेस है। वेलकम टू तुई तुई खालसा कीज़, वेलकम भाइयों को।